आज हम जानने वाले बालों को नेचुरली किस तरीके से ग्रो करें जिन लोगों के बाल जल्दी लंबे नहीं हो रहे, काफ़ी बाल थिन होकर टूटने लगे, बालों में कोई जान नहीं बची है, तो उन बालों को किस तरीके से हेल्दी बनाना है वो भी नेचुरली। तो आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अब भी लाइक करना। इस वीडियो पर हम 2000 लाइक का टारगेट रख रहा है, जो आपको जरूर पूरा करवाना है, जल्दी से पूरा करवाना। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच करो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बालों को हेल्दी बनाने के लिए हमें हेयर ऑयलिंग करना बहुत ही जरूरी होती है। कई लोग डायरेक्ट सिर्फ ऑयलिंग करते हैं, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ उसे आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हेयर ऑयलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है एलोवेरा जेल। आपको प्योर एलोवेरा जेल का पूरा गूदा निकाल लेना, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको कोई मार्केट से खरीद कर नहीं लाना है, आपको प्योर एलोवेरा जेल लेना है। आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से एलोवेरा जेल निकाल लेना है। उसके बाद आपके पास कस्टर ऑयल हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, यानी अरंडी का तेल ले लेना है। अरंडी का तेल कितना लेना है, 2 से 3 चम्मच के करीब अरंडी के तेल को आपको एलोवेरा जेल के अंदर मिला देना है। दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना, थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो तब आप बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपको इसको नहाने से 1 घंटे पहले या बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ओवरनाइट के लिए यूज़ करना है। स्केल पर पूरी अच्छी तरीके से मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। अगर आपको रेसिडिंग हेयर लाइंस की प्रॉब्लम है तो वो एरिया पर भी इसको लगाना है और अच्छे से मसाज करना है, और ओवरनाइट के लिए आपको उसको कवर करके रख देना है। और सुबह जब उठो आप तो आपको माइल्ड शैम्पू से पूरे बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ऐसा आपको सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार करना है, यानी मंथ में सिर्फ 4 बार करोगे तो ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपके जो बालों का पतलापन था वो धीरे धीरे जाड़े होने लगेंगे, आपकी स्केल्प में डेंड्रफ जमा हो गई थी वो क्लीन होने लगेगी, और आपकी जो भी बालों में प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।